जहां पूरे प्रदेश में 102 और 108 आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और केवल मात्र हमीरपुर जिला में ही अभी तक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे, लेकिन अब हमीरपुर जिला में सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर के पास ज्ञापन सौंपकर दर्जनों कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने की घोषणा की है। आपातकालीन कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पिछले लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी नहीं करने के साथ साथ 36 घंटे काम कराने पर भी वेतन उतना ही मिल रहा है तो ईएफ का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी पूजा गुलेरिया ने बताया कि कंपनी के द्वारा कर्मचारियों की शर्तों को नहीं माने जाने पर अब हमीरपुर में भी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है और हमीरपुर में तो गाड़ियां भी खराब पड़ी हैं, साथ ही ड्यूटी टाइम भी ज्यादा है और वेतन बढ़ाया नहीं जाता है तो पीएफ भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे सारे कर्मचारी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 102 और 108 कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने पर एस्मा लागू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमीरपुर में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से अब हमीरपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा असर देखने को मिल सकता है। मैं ईएमटी हूँ, पूजा गुलेरिया मेरा नाम है और आज से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है स्ट्राइक पे जा रहा है। हमने जीविके वालों के लिए उनके सामने हमने अपनी शर्तें रखी हुई हैं। एक तो हमारी 12 घंटे ड्यूटी, 12 से 14 15 घंटे भी ड्यूटी, हम एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी का इशू है हमारा। दूसरा हमारा सैलरी के ऊपर है, सैलरी हमारी 4-5 सालों से जो है बढ़ाई नहीं है इन्होंने, पीएफ जो है हमारा वो दे नहीं रही है, उसको इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लग रही है। और जो गाड़ियाँ मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं हमारी वो मेंटेनेंस की वजह से खड़ी हुई हैं आज तक, तो यही हमारा जीविके वालों से वो है कि हमें ये सारी हमारी शर्तें मानी जाएं, इसी वजह से जो है हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं आज से।